हाल में मारेंगे, मार खा लेंगे, मार खा लेंगे। कल से परसों के बीच में जाने वाला, और जिनको ये लग रहा है कि समीर चौधरी यूपी में आएगा तो उसको मारेंगे, ये भैया प्रणाम करे हो, देवा बरियार करके हम आवी थी हो, मरिए जरूर, लेकिन इंसाफ दीजिए। हम यही कहेंगे जिस प्रकार होटल वाला ने बोला, आप लोग भी गए होंगे, मीडिया माध्यम से बोला गया था कि हाथ पकड़ के ड्राइवर साहब उनको ले गए, यहाँ बात इनके विषय में नहीं, यहाँ बात इंसाफ दिलाने के। भैया मेरे देखिए, आदमी बेबाक बोलने वाला समीर चौधरी, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर चार चक्का से कोई गया, किसी को एक्सीडेंट कर दिया, गोड़ टूट गया, मैया बाबू कर रहा है, तो उसको अगर उठा के अगर गाड़ी में ले जाके अस्पताल ले जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति गलत है। मैं गलत नहीं हूँ, जरूरी नहीं कि ऊपर से फोन आया। हाँ, हमको ऊपर से फोन आया, भगवान घर से दिल से बोला गया कि क्या रे समीर पगला गया है क्या रे तू, समाज की एक बेटी है और समाज की बेटी पे तुम आलोचना लगा रहे हो, अगर मरने वाला कोई गलत व्यक्ति भी है तो उसके लिए आदमी हाथ जोड़ के बोलता है, देखे है ना। आप कब जाइएगा उसके मां को इंसाफ दिलाने के लिए? बहुत जल्द उनके माता के पास, समीर चौधरी कल से परसों के बीच में जाने वाला, और जिनको ये लग रहा है कि समीर चौधरी यूपी में आएगा तो उसको मारेंगे, ये भैया प्रणाम करे हो, देवा बरियार करके हम आवी थी हो, मरिए जरूर, लेकिन इंसाफ दिलाला के बाद। समीर चौधरी एक बार ऊह नहीं करेगा आप लोग मारेंगे तो, लेकिन हम इंसाफ पहले दिलवाएंगे, और इसके घर पे पिलक्का बुलडोजर बाबा पे हमारा भरोसा है कि चल जाएगा। सर जिस तरह से तमाम पूरी कलाकार को वहां जाना चाहिए, उस तरह से लोग वहां नहीं, वही ना भैया, आप लोग देखिए इतने मीडिया बंधु यहाँ पे आए हुए हैं, 1 2 3 मात्र 3 आदमी आज यहाँ क्यों खड़ा है, आखिर में भोजपुरी हुआ एल्बम कोरियोग्राफर लाइन का आदमी सब कहाँ गया, जो पटना में इतना बड़ा बड़ा सेट चला रहे हैं, बड़े बड़े कोरियोग्राफर बन रहे हैं, बड़े बड़े जो गायक है जो एक दिन का गाना ट्रेंडिंग में आते हैं सुपर स्टार बन जाते हैं, हाँ अपने आप को समझने लगते हैं तिस्मार खान, आखिर में वो सब कहाँ है, कहीं नहीं इंसाफ दिलवा रहे हैं। ये भोजपुरी में जो माफियागिरी चल रहा है, जिस तरीके से ऊपर नीचे की बात और जिस तरीके से गैंगबाजी और मतलब की काम करवाना, पैसा नहीं देना उल्टा सीधा, इसमें क्या कहिएगा, आप तो लगातार भोजपुरी में बने हुए हैं, एक्टिंग भी करते हैं। देखिए भैया भोजपुरी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पूरा समाज देख रहा है, और हम यही कहेंगे कि एक वो गाना कोई के हिट होता है ढूंढी चोली के नाम पे, वो अपने आप को तिस्मार खान समझता है, आज हम वही तिस्मार खान सब से पूछ रहे हैं कि आखिर में समीर चौधरी बुरा बोला, ठीक है समीर चौधरी आप बुरा तो है ही भैया आप लोग के लिए, कहा कि सच हमेशा कड़वा होता है, सच बोल दिए थे बुरा लगा, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया था कि सच कहाँ बोलना चाहिए और झूठ कहाँ बोलना चाहिए, यहाँ पे हमको इनको इज्जत देना चाहिए था, जो कि मैं अभी आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ और मैं इनके लिए अभी श्रद्धांजलि भी दिया। दबंगे के नाम पर शोषण की जाती है भोजपुरी में, क्या कहिएगा आप लोग? मैं उन सभी कलाकारों को बोलता हूँ कि शोषण मत होने दीजिए अपने आप के ऊपर, अगर आप कलकत्ता से चल के आए, यूपी से चल के आए और लड़की हैं, अगर लगता है कि हम अगर एक दिन सो जाएंगे या वीडियो ट्रेंड हो जाएगा तो ऐसा अगर आपके साथ कोई कहता है तुरंत समीर चौधरी को बोलिए, समीर चौधरी का चप्पल उसका मुंह नहीं रहेगा तो हम नाम बदल देंगे। शूटिंग चल रहा है, यहाँ पे एक मौत हुई है, उसी के अलग होटल में लोग शूटिंग कर रहे हैं, क्या शूटिंग होनी चाहिए? देखिए भैया नहीं, वहाँ पे शूटिंग नहीं चल रहा है, ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि वहाँ से समर सिंह की फिल्म थी और समर सिंह भाग गया तो शूटिंग बंद हो गया। आप बोलिए, आए देखिए जाते जाते हम सभी दर्शकों से यही कहना चाहें कि देखिए आप लोग जो रैप लिख रहे हैं ना, रैप लिखने के साथ ये बेटी जो है इसको इंसाफ चाहिए, इसका 3 साल का कमाई चाहिए और इसको इंसाफ चाहिए कि ये व्यक्ति जो हमेशा सुख में इसका साथ था, आज दुख के घड़ी में काहे भागा, इनके माँ का आंसू पोछने आया कोई आया? एगो अक्षरा दीदी गई है वहाँ पे, और अपना ये भी गए थे, क्या नाम है, रितेश पांडे जी गए हुए थे, आखिर में वो सब तिस्मार खान सब कहाँ आतुन, जे लैबा में आकर रोबा है चाहे लैबा में बोला हो, कहाँ हो सब? लेकिन अब परिवार के लोग कह रहे हैं आकांक्षा कि समीर चौधरी को छोड़ेंगे नहीं। अरे भैया छोड़ेंगे नहीं तो हमारा जेल भेज देवे से इंसाफ मिल जाएगा तो समीर चौधरी अपना गर्दन आपके सामने काट देगा, लेकिन अगर इंसाफ मिलेगा तब, लेकिन इंसाफ ही नहीं मिलेगा जब तक हमने आवाज़ उठा रहे हैं, हम अभी यहाँ पुतला जला रहे हैं, यहाँ के बाद हम यूपी जाएंगे, और हमको नहीं लगता कि हमको यूपी जाते जाते यूपी सरकार पे, हमको यूपी पुलिस पे भरोसा है कि तुरंत एक्टिव हो जाएगा। देखिएगा जी आप जो बात बोले थे आकांक्षा दुबे के लेकर, क्या आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं? अरे भैया शुरू में मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब थोड़ा पैर पकड़ लुआ, अब यही करने वाले हैं कि समीर चौधरी सबसे पहले इंसाफ दिलवाएगा भैया, इंसाफ दिलवाना हमारा काम है, क्योंकि भोजपुरी कैसे जिस प्रकार आज आप देखे हो कि एक पुतला जराए थे तो भोजपुरी में आज अश्लीलता का एक नियम लग गया है ना, उतना दिन से बहुत लोग आया चंगू मंगू, बहुत भोजपुरी लोगों को गाली दिया, लेकिन आज तक कोई अश्लीलता पे नियम नहीं लगवा पाया, समीर चौधरी अकेले खड़ा होकर लगवाया ना जी, आए ओकर बाद एक और चंगू मंगू कोई था जेकरो जेल ठुसवा दिया गया, तो हमारा कहना है कि एकरा कहिए कितना देर लगेगा, कहाँ भागल होगा, ज्यादा से ज्यादा एंटीसेप्टिक बेल के लिए उन्होंने दौड़ रहा होगा, बेल मिल जाएगा यूपी पुलिस है बाबू, हौले में मत लीजिए, बड़ी भारी होता है, उठबे नहीं करते हैं कोई से, बुलडोजर बना है।